खोराबाड़ थाना प्रभारी निरीक्षक राहुल सिंह की टीम ने रामनगर करजहा मोड़ पर संदिग्ध वाहन व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान बदमाशों द्वारा किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की मिली सूचना पर जंगल राम लखना दुर्गा मंदिर उर्फ बनशक्ति निकट शैनपुर के पास पहुंचे ही थे कि पुलिस वालों को अपनी तरफ आते देख कर तीनों बदमाश दुर्गा मंदिर के पीछे जंगल में भागने लगे और पुलिस पर फायरिंग करने लगे, लेकिन पुलिस ने आत्मरक्षा करते हुए तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान विजय राजभर पुत्र चंद्रभार राजभर निवासी जंगल राम लखना लोहरान टोला थाना खोराबार, धर्मेंद्र निषाद पुत्र राम निषाद निवासी जंगल राम लखना बरई चोला के रूप में हुई है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से 3 अवैध तमंचा, 3 जिंदा कारतूस व 1 खोखा कारतूस बरामद किया है। अभियुक्त विजय राजभर व धर्मेंद्र ने बताया कि हम लोगों ने वर्चस्व कायम करने के लिए एक समारोह में अवैध तमंचे के साथ डांस का वीडियो बनाकर वायरल किया था। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, आज दिनांक 29/5/2021 को सुबह 9:30 बजे मुखबिर की सूचना पर प्रभारी निरीक्षक खोराबार और उनकी टीम ने जंगल राम लखना दुर्गा मंदिर के पास से 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके नाम है विजय राजभर सन ऑफ चंद्रभान राजभर, धर्मेंद्र निषाद सन ऑफ श्री राम निषाद और शिव शरण है पुत्र छेरी। इनके पास से 3 अदद अवैध तमंचा 315 बोर, 3 अदद जिंदा कारतूस, 1 अदद खोखा कारतूस बरामद हुआ है। पूछताछ के बाद ये पता चला कि ये लोग ही वो थे जिन्होंने कुछ दिन पहले फोटो खींचकर और वीडियो बनाकर तमंचे के साथ वायरल किया था। इस क्रम में थाना कोराबार पे 4 मुकदमे पंजीकृत हुए हैं, 285/21 धारा 307, 286/21 धारा 3/25 287/21 धारा 3/25 और धारा 288/21 3/25। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।